हेलो बच्चो, क्या हाल चाल? बढ़िया, चलो ठीक है। क्लास 9th की बात करेंगे आज। जैसा कि साइंस आपका सब्जेक्ट है, साइंस बच्चों यहाँ पर 3 पार्ट में बांटते हैं हम पढ़ाई की दृष्टि के हिसाब से। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फिजिक्स को भौतिक विज्ञान कहते हैं, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, बायोलॉजी जीव विज्ञान। तो फिजिक्स में जो आपका पहला चैप्टर है वो है मोशन। मोशन मीन्स गति। अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखें हिंदी में, गति होता है गति। अब मोशन को क्या डिफाइन किया गया है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन और मूविंग व्हेन इट्स पोजिशन चेंजेस कंटिन्यूअसली विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टेक एज रेफरेंस पॉइंट। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, कब कहेंगे? कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है कब कहेंगे? तब कहेंगे जब वह अपनी पोजीशन लगातार बदलता रहता हो किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के सापेक्ष। नहीं आई समझ में? जैसे आप एक कार में बैठे, कार अभी रुकी हुई है। आपने देखा जहां पर कार रुकी है वहां पर एक पेड़ है और एक मकान है। अब आपकी कार स्टार्ट होती है तो आप तो आगे बढ़ते रहते हैं। 5 सेकंड बाद देखते हैं पेड़ और मकान तो अपने रेफरेंस पॉइंट पे ही है, जहां था वहीं है, लेकिन आपकी कार और आपने पोजीशन चेंज कर ली। तो इन हालातों में हम कह सकते हैं कि आप और आपकी कार किस में है? मोशन में। समझ में आ रही बात? किसी रेफरेंस पॉइंट से आप अपनी पोजीशन चेंज कर चुके होते हैं। रेफरेंस पॉइंट मीन्स इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक पॉइंट, जिस बिंदु से आप स्टार्ट हुए हैं उसको हम रेफरेंस पॉइंट कहेंगे। इफ बॉडी इज मूव फेयरली फास्ट देन इट्स मूवमेंट कैन बी ऑब्जर्व इजीली, बट इफ द बॉडी मूव्स वेरी स्लोली देन इट बिकम वेरी डिफिकल्ट टू ऑब्जर्व इट्स मोमेंट इमीडिएटली। अब क्या होता है कि जो चीज़ें बहुत तेज चला करती हैं, बहुत तेज मूवमेंट मोशन में होती हैं या मोमेंट में होती हैं, उनको तो हम आसानी से पकड़ लेते हैं कि हाँ मोशन में है। कभी कभी बातें ऐसी हो जाती हैं कि ऑब्जेक्ट जो है इतना स्लो चलता है कि हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि यह चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। ऑब्जर्व इमीडिएटली हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते। जैसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे एक घड़ी है। घड़ी के 3 हैंड्स होते हैं, 3 सुइयां होती हैं घड़ी की, आवर हैंड, मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड। तो आप देखते हैं सेकंड हैंड मीन्स सेकंड वाली सुई को देखते हैं तो वो लगातार चलती रहती है, पता लगता है कि घड़ी चलती है। अगर हम सेकंड वाली सुई को रिमूव कर दें, हटा दें, मिनट या आवर वाली को रहने दें, तो हमें एकदम घड़ी को देखने से पता नहीं लगेगा कि घड़ी चल भी रही है कि नहीं चल रही है, क्योंकि मिनट वाली सुई की स्पीड जो है बहुत स्लो है। ठीक हो रहा होगा? समझ में आ रहा होगा? अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस ट्रेवल्ड माने तय की गई दूरी एंड डिस्प्लेसमेंट माने विस्थापन। डिस्टेंस ट्रेवल्ड किसे कहेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई बॉडी इज द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाई अ मूविंग बॉडी इरिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन इन विच द बॉडी ट्रेवल्ड। इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड इज स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होता है? कोई बॉडी जब मूव करती है उसके द्वारा टोटल डिस्टेंस जो कवर किया जाता है, टोटल डिस्टेंस तय किया गया है, उसको हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड कहेंगे। इसमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए यह क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। दूसरी बात आती है डिस्प्लेसमेंट। व्हेन बॉडी मूव्स फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी अलोंग विद द डायरेक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाता है, तो
जाने में उसके द्वारा तय किया गया शॉर्टेस्ट मार्ग को ही हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब इन दोनों को, डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट को, एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। अब जैसे कोई बंदा है, उसकी पोजीशन ए पोजीशन पर है, ए पोजीशन पर है, वह जो है यहाँ से चलता है बी पोजीशन में चला जाता है, ये बी पोजीशन है, बी पोजीशन में चला जाता है, 5 किलोमीटर की यात्रा करता है, ए से बी में जाने में 5 किलोमीटर की यात्रा तय करता है। बी से वो फिर कहाँ आता है, सी की ओर आता है, ये पॉइंट सी है, सी की ओर आता है, बी से सी की डिस्टेंस जो है 3 किलोमीटर है, फिर वापस सी से ए की ओर आता है जो कि डिस्टेंस कितनी है, 4 किलोमीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 + 3 + 4, टोटल डिस्टेंस इसके द्वारा जो कवर्ड होगी 12 किलोमीटर होगी, टोटल डिस्टेंस 12 किलोमीटर होगी, ठीक हो रहा है, इसे हम डिस्टेंस ट्रेवल कहेंगे। अब डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, उसकी डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट की, डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब इस केस में आपने देखा ए से स्टार्ट हुआ था, इनिशियल पॉइंट है, बी में गया, बी में जाने के बाद सी में गया, सी में आने के बाद वापस ए में आ गया, ए से स्टार्ट हुआ था, ए पर ही पहुंच गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 हो गया, जहां था वहीं आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, आ रही होगी बात समझ। अब डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट, अब दोनों में क्या अंतर है, फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय मूविंग बॉडी कैन नॉट बी 0, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को ट्रेवल करता है वह कभी 0 नहीं हो सकता है, व्हाट सो एवर स्मॉल डिस्टेंस मे बी इट इज, इट नेवर बी 0, बट फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी कैन और कैन नॉट बी 0, जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट होता है 0 हो भी सकता है, 0 नहीं भी हो सकता है। अब आपने देखा अभी मैंने 0 कैसे बताया, इसमें 0 हो गया था, अगर यही बंदा ए कोई बंदा ए से चल रहा है, बी में जा रहा है, बी के बाद सी में जा रहा है, सी पर छूट जा रहा है, सी के बाद इधर नहीं आ रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट इसका ए है, फाइनल पॉइंट क्या है, सी है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी, तो 4 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट आएगा इस केस में। तब हमने लिखा है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कैन और कैन नॉट बी 0, पहले केस में आपने ए से चला था, ए में ही आ गया, 0 हो गया डिस्प्लेसमेंट, अभी ए से चला, बी में गया, बी से सी में, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए और सी के बीच की जो दूरी है 4 किलोमीटर की है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं हुआ, एक अंतर। दूसरा अंतर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमेशा या तो डिस्प्लेसमेंट से या तो ज्यादा होगा या उसी के इक्वल होगा, या इसको दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस कवर्ड से क्या होगा, हमेशा या तो कम होगा या उसके इक्वल होगा। अब एक एग्जांपल और समझते हैं, सपोज डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट का ही एग्जांपल ले रहे हैं हम, सपोज एक पर्सन है जो ए पोजीशन में है, ए के बाद वह कहाँ जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, आप जानते हो ये क्या होता है, ऐसे समझते हैं ना, ये ईस्ट डायरेक्शन होती है, ये वेस्ट होती है, ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। सपोज ए पोजीशन पर है, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, ईस्ट कितना जा रहा है, 1.5 मीटर, फिर उसके बाद बी पोजीशन में पहुंचता है, बी के बाद कहाँ आता है, साउथ की ओर आता है, कितना 2 मीटर आता है, उसके बाद सी से वापस कहाँ जाता है, ईस्ट डायरेक्शन में, कितना जाता है, 4.5 मीटर जाता है। तो हमसे पूछा गया है या हम समझ रहे हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड
या डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। अब डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पर्सन, यहां से लेकर यहां तक, ए से चला इनिशियल पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट जिसे हम कहते हैं, कहां गया, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी डी इज फाइनल पॉइंट, डी क्या है, फाइनल पॉइंट है, डी तक गया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो आएगी उसकी वो होगी क्या, 6.5 मीटर। अब डिस्टेंस कवर्ड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड टोटल डिस्टेंस ऐड कर दोगे, ए से बी में जाने पर 1.5 मीटर, बी से सी में जाने पर प्लस कर दोगे 6.3, फिर सी से डी में जाने पर 4.5 प्लस कर दोगे सबको, 1.5, 4.5 प्लस 6.3 कितना हो जाएगा, 6 हो गया, 6 and 2, 8, इसको ऐड करोगे, इसको ऐड नहीं करोगे, ये तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, 8 डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा इसका, डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा 8 km, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए से डी के बीच की दूरी है 6.3 मीटर। होपिंग दैट इट बिकम क्लियर टू यू। नाउ एक एग्जांपल और देख लेते हैं जहां पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है। देखो एक कोई साइक्लिस्ट है या कोई भी ऑब्जेक्ट है जो किसमें जा रहा है, सर्कुलर ट्रैक में जा रहा है, ए पोजीशन से स्टार्ट हुआ, सर्कुलर ट्रैक पे गया, उस ट्रैक का रेडियस जो कुछ भी हो जिसको हमने आर मान रखा है, तो जाने के बाद वापस कहाँ आ जा रहा है, ए, रिपीट होता हुआ अपनी पोजीशन नहीं बदल रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है वापस ए में आ जा रहा है, तो इस केस में भी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब मैं थोड़ा आगे चलूं, अब होता है, अब आती है बात यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। समान, यूनिफॉर्म माने समान, मोशन माने गति, नॉन यूनिफॉर्म माने असमान गति। समान माने एक जैसी गति, एक जैसा मूवमेंट, असमान माने एक जैसा मूवमेंट नहीं। अब डेफिनेशन क्या है, यूनिफॉर्म मोशन, अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन वी कैन से दैट बॉडी इज यूनिफॉर्म मोशन। यदि कोई ऑब्जेक्ट एक समान मोशन से चल रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम उसके मोशन को क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। एग्जाम्पल्स, अ कार ट्रेवलिंग 10 मीटर पर सेकेंड, एक कार है जो रोड पे, खाली रोड है, खाली रोड पे 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, क्या मतलब हुआ, यह कार जो है 1 सेकेंड में 10 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रही है, 2 सेकेंड में कितना करेगी, 20 एंड सो ऑन, मतलब स्पीड उसकी घट नहीं रही है, बढ़ भी नहीं रही है, एक समान स्पीड है, स्पीड इज नाइदर डिक्रीजिंग नॉर इंक्रीजिंग, तो इसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। इसका ग्राफ जो है अगर हम खींचे तो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में आता है। यहाँ पर हम ग्राफ खींचने के लिए ये एक्स एक्सिस ले लेते हैं, एक्स एक्सिस में टाइम लेते हैं, और ये वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में हम डिस्टेंस ले लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट ए से चला, ए से चला विद टाइम, टाइम के बढ़ने के साथ उसकी उसका मोशन भी बढ़ा, तो ग्राफ जो आएगा स्ट्रेट लाइन में आएगा, ए बी जो है स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अ बॉडी हैज नॉन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम उसको क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। एग्जाम्पल, अ स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट, कोई पत्थर है किसी ऊंचाई से फेंका गया है, तो उसकी जो उसका जो मोशन होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। सपोज यहाँ पर एक स्टोन है, ये फेंका गया इस हाइट से, यहाँ से फेंका, पहले सेकंड में स्टोन की जो स्पीड थी सपोज 4.9 मीटर पर सेकंड थी, मीटर पर सेकंड, दूसरे सेकंड में स्टोन यहाँ से यहाँ पहुँच गया, दूसरे सेकंड में इसकी स्पीड माना 14.6 मीटर पर सेकंड हो गई, और तीसरे कंडीशन में, तीसरे सेकंड में इसकी स्पीड 21.4 मीटर पर सेकंड होती है। आप देख रहे हैं टाइम इंटरवल क्या है, अनइक्वल है, टाइम इंटरवल तो सेम है वन सेकंड में पहले यहाँ से 4.5 मीटर की डिस्टेंस कवर की इसने, दूसरे सेकंड में 14.6 मीटर की डिस्टेंस कवर की, थर्ड सेकंड में कितने डिस्टेंस की, 21.4 मीटर पर सेकंड की डिस्टेंस, तो मतलब अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे इसको,
नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। एक एग्जांपल और समझ लो ऐसे ही, सपोज अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेशन, कोई ट्रेन है अपने स्टेशन से स्टार्ट होती है, और ये भी एग्जांपल किसका होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का होगा। क्यों? क्योंकि जब ट्रेन स्टार्ट हो रही है उस समय उसकी स्पीड थोड़ा कम होगी, अब थोड़ा आगे जाएगी तो ड्राइवर उसका एक्सेलेटर देगा उसमें ट्रेन में, तो ट्रेन की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और थोड़ा आगे जाएगा और स्पीड बढ़ेगी। अब सपोज नेक्स्ट स्टेशन आने वाला है तो वहाँ पर क्या करेगा, उसकी स्पीड घट जाएगी। तो स्पीड आप देख रहे हैं कम बाकी हो रही है, मोशन उसका कम बाकी हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। ये तो मैंने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया आपको चैप्टर का। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे बच्चों, आपको पढ़ाएंगे स्पीड के बारे में, स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सब पढ़ेंगे। उससे पहले एक चीज और आई यहाँ पर, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। कहीं मैंने लिखा है स्केलर क्वांटिटी तो ये है, वेक्टर क्वांटिटी ये है। स्केलर माने होता है सदिश, 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 सदिश माने होता है दिशा सहित, जिसमें स्केलर माने अदिश होता है, सॉरी अदिश होता है, अदिश, अदिश जिसमें दिशा का वर्णन न हो, और वेक्टर माने होता है सदिश, दिशा सहित। अब इसमें आप देख रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है और डायरेक्शन भी दी हुई है, जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दिया हो वह होता है वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड दिया हुआ हो वो होता है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अब पढ़ाई करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।